केसी वेणुगोपाल जी, हेलो हेलो, रणदीप सुरजेवाला जी, बसवराज पाटिल जी, चंद्रशेखर पाटिल जी, बसवराज जी, डीसीसी प्रेसिडेंट अरविंद कुमार जी, भीमराव पाटिल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि बीदर बसवना जी की कर्मभूमि उनकी जमीन है और बसवना जी ने सालों पहले लोकतंत्र की बात की थी और अगर आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उसकी नींव बसवना जी ने दिखाई थी। दुख की बात है कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा बसवना जी की विचारधारा के खिलाफ है। जो भी बसवना जी कहते थे उसके विरोध में बीजेपी और आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। जी दिनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाला है और पूरा कर्नाटक, पूरा देश जानता है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और भारी बहुमत से कम 150 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। आप देख लेना, जो 40% कमीशन वाली सरकार है उसको 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। हिमाचल के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि राहुल जी हमें क्या करना चाहिए और मैंने उनको दो सुझाव दिए। पहला सुझाव था कि आप जो भी वायदे करो ज्यादा वायदे मत करो, दो तीन चीजें गारंटी करके स्टेट को दे दो, मतलब झूठे वायदे मत करो। और दूसरा सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। और वही मैं कर्नाटक के नेताओं को वही मैसेज देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठे वायदे किए, उन्होंने आपसे कहा था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, कहा था, मिल गया 15 लाख रुपया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। उन्होंने कहा था काले धन को खत्म कर देंगे, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया। तो बीजेपी ने सिर्फ झूठे वायदे किए हैं, अब कांग्रेस पार्टी आपसे 4 वायदे कर रही है और ये जो वायदे हैं ये पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बना दिए जाएंगे, मतलब इनमें इनको पूरा करने में 6 महीने 1 साल नहीं लगेगा, इनको हम पहले दिन
पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक के लिए पूरा करके दिखा देंगे। ये चार वायदे कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला वायदा और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार को। अन्नभाग्या, 10 किलो चावल हर परिवार के हर व्यक्ति को। युवा निधि, 2 साल के लिए कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति महीना और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए प्रति महीना। ये चार जो वायदे हैं, ये हमारा पहला कदम होगा और इनको कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा देगी। ये वायदे कर्नाटक के अरबपतियों के लिए नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, कर्नाटक की सरकार ने 2-3 अरबपतियों के लिए काम किया, ये वायदे उनके लिए नहीं है। ये वायदे कर्नाटक के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए हैं। और इन चार वायदों से कर्नाटका के लाखों परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ा सा मैं बीजेपी के बारे में बोलना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में नहीं, पूरे देश में 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। और यह नारा मैंने नहीं दिया है, यह नारा कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने दिया है। आपने पिछले 5 सालों में अपनी आंखों से देखा, बीजेपी के भ्रष्टाचार को आपने देखा और आपने सहा। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। जब यहां पे मैसूर सैंडल सोप का करप्शन स्कैंडल हुआ, जिसमें एक एमएलए के बेटे को 8 करोड़ रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब जॉब स्कैम हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। जब पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए ब्राइब दिया गया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब मैं भ्रष्टाचार की बात उठाता हूं, जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण किया और प्रधानमंत्री जी से अदानी जी के बारे में सवाल पूछे, तो पहले उन्होंने मेरा माइक ऑफ कर दिया और उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफाई कर दिया, लोकसभा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के बारे में नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहा था। 3 सवाल पूछे मैंने। पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, आपका अदानी जी से क्या रिश्ता है? अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारे के सारे बिजनेसेस पकड़ा दिए जा रहे हैं, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? दूसरा सवाल, अडानी जी के जो शेल कंपनीज हैं, उसमें जो बेनामी पैसा है 20,000 करोड़ रुपए का, वो पैसा किसका है? ये सवाल मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा
और नरेंद्र मोदी जी ने पहले मेरा माइक ऑफ किया पार्लियामेंट हाउस में और फिर उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से निकलवा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। मगर मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री और कर्नाटक का मैं नहीं डरता इन लोगों से, मैं प्रधानमंत्री और कर्नाटक की सरकार से भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछता जाऊंगा और इनसे मैं लड़ता जाऊंगा। ये जो पैसा है 40% पैसा है, ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है। इस पैसे को आपके शिक्षा के लिए, आपके अस्पतालों के लिए, आपके कॉलेजेस के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी स्कूलों के लिए लगाना चाहिए। ये आपका पैसा आपसे छीन कर चोरी करके ले रहे हैं। और इसका प्रयोग ये कैसे करते हैं? पिछली बार आपने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी, पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी। और ये याद रखिए, भ्रष्टाचार चोरी के पैसे से बीजेपी के लोगों ने आपकी सरकार चोरी की और फिर उसके बाद 5 साल के लिए 40% कमीशन खाया है और ये फिर से कोशिश करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर से ये चोरी करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका पैसा है 40% जो कमीशन खाया है उसका प्रयोग करके ये फिर से एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी को 40 सीटों से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, बीजेपी को 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को 150 सीटें से कम नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने एक और सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले मैं किसी का अपमान कभी नहीं करता हूं, मगर दूसरा सवाल और बड़ा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं तो फिर सचमुच में हम ओबीसी की बात क्यों ना करें? और ओबीसी वर्ग के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर हम चाहते हैं कि ओबीसी को ताकत दी जाए, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत, तो सबसे पहला कदम हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ओबीसी हैं कितना। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं? जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया था और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है? और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया है, छुपाया हुआ है। दिल्ली की सरकार को मालूम है ओबीसी की कितनी आबादी है हिंदुस्तान, अगर दिल्ली की सरकार किसी को बता नहीं रहे तो। मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए कि देश को पता लगे कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना है। अगर आप नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी यह काम करके दिखा देगी, क्योंकि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, हम सचमुच में
ओबीसी वर्ग, दलित, आदिवासी वर्ग को ताकत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग भी इस देश को चलाने में उनकी हिस्सेदारी हो। तो पहला कदम यह है, नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी सेंसस जो है उसका डेटा आप पब्लिक कर दीजिए, देश को बता दीजिए इस देश में ओबीसी हैं कितने। दूसरा कदम, ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप हटाइए। दूसरा कदम, सचमुच में आप ओबीसी की बात करते हो, सचमुच में आप शक्ति देना चाहते हो, तो ये जो 50% का रिजर्वेशन का कैप है इसको परे करिए। तीसरी बात, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को शक्ति, ताकत कभी नहीं देते। हमने मनरेगा दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने गरीबों के लिए काम किया है। और गरीबों के लिए अगला बड़ा कदम, ओबीसी वर्ग जो है उसको राजनीतिक शक्ति, ताकत, सिर्फ शब्द नहीं, खोखले शब्द नहीं जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, मगर राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत देनी है। आप 10 साल, 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया, आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? दिल्ली की सरकार को आप देखिए, सरकार को सेक्रेटरी चलाते हैं, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को की रीढ़ की हड्डी सेक्रेटरी होते हैं। दिल्ली की सरकार में 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के हैं, और वो भी छोटे छोटे काम करने में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, खोखले शब्द मत दीजिए। ताकत देनी है, आर्थिक ताकत देनी है, राजनीतिक ताकत देनी है, तो सेंसस के डेटा को पब्लिक कीजिए, 50% कैप को हटाइए, और जो दलित और आदिवासी वर्ग है उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। यह पहले कदम है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो परे हट जाइए, हम कर देंगे। और यह मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे। पहले हम विपक्ष में जरूर हैं मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे, ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे, और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। आप सब यहां आए इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे कैंडिडेट हैं राजशेखर पाटिल जी, इनको भारी बहुमत से जिताइए और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।